हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने पढ़ा था इज एम आर का यूज़ करना, कि कैसे इज एम आर को हम यूज़ करते हैं। टू शो दैट एन एक्शन इज़ हैपनिंग नाउ, ये हमें बताते हैं। जो इज एम आर जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमें ये बताते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या घटना घट रही है, ठीक है, क्या क्रिया हो रही है, ठीक है। अब वी यूज़ ए बींग वर्ब। हम क्या यूज़ करते हैं? बींग वर्ब, यानी कि इज एम और आर, इज बींग वर्ब है, इनको यूज़ करते हैं। एंड देन, और फिर उसके बाद में उसमें क्या ऐड कर देते हैं? आई एन जी लगा देते हैं, आई इज एम आर, और उसके बाद में हम उसमें आई एन जी ऐड कर देते हैं टू ए डूइंग वर्ब। मतलब आई एन जी किस में ऐड होता है? डूइंग वर्ब जो होती है, जो काम जो हो रहा होता है उसके अंदर हम आई एन जी ऐड कर देते हैं, ताकि हमें पता चल जाता है कि भाई ये काम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, आई एम हैविंग स्नैक्स, यानी कि एम लग गया, बींग वर्ब लग गई, और उसके बाद में हैव में हमने आई एन जी ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? हैविंग स्नैक्स, यानी कि मैं ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ? स्नैक्स ले रही हूँ। ऐसे ही रितु इज़, अब हमने यहाँ पे बींग वर्ब क्या लगा दी? इज़। और इसमें डांस था, तो डांस के साथ हमने क्या ऐड कर दिया? आई एन जी ऐड कर दिया, डांसिंग हो गया, यानी कि नाच रही हूँ। रितु इज़ डांसिंग, रितु नाच रही है, ठीक है। ऐसे ही चिल्ड्रन में हमने क्या लगा दिया? बींग वर्ब आर लगा दी, ठीक है। चिल्ड्रन यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है, और ये रितु सिंगुलर था, तो हमने यहाँ पे इज़ लगाया, सिंगुलर के साथ इज़ लगता है, और आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है। प्लेइंग, प्ले का उसके साथ हमने आई एन जी ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? प्लेइंग, यानी कि खेल रही हूँ, नाच रही हूँ, खेल रही हूँ और खा रही हूँ, ये सब डूइंग वर्ब्स होते हैं। तो ये कल का होमवर्क था हमारा। अब आज मैं आपको कुछ और बताती हूँ, इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ, ठीक है। कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं उनको आपको कम्प्लीट करना है यूजिंग, किसका यूज़ करते हुए? इज़, एम और आर, इज़ एम और आर का यूज़ करते हुए। एंड टेक वर्ब फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन, और क्या लेना है आपको? वर्ब लेनी है, कहाँ से लेनी है? हेल्प बॉक्स के अंदर से। ये देखिए, ये हेल्प बॉक्स है, इस हेल्प बॉक्स में वर्ब्स दी हुई हैं, इन वर्ब्स को आपको लेना है, ठीक है, और फिर इसमें भरना है। आल्सो ऐड, और फिर देखिए क्या कह रहा है, इसके अंदर आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है? इन वर्ब्स के साथ आई एन जी, आई एन जी और लगाना है। वर्ब दी हुई है यहाँ पे, लेकिन इनके साथ आपको आई एन जी ऐड करके फिर यहाँ पे आपको भरना है। टू द वर्ब, वन हैज़ बिन डन फॉर यू, पहला आपके लिए कर दिया गया है। देखिए, पहला है वर्ब में रोर, आर ओ आर, रोर, रोर यानी दहाड़ना। फील, महसूस करना, एफ एल वाई फ्लाई, उड़ना। गो, जी ओ गो, जाना। डी ए एन सी ई डांस, यानी नाचना। डब्ल्यू ओ आर के वर्क, यानी काम करना। एस टी यू डी वाई स्टडी, यानी कि अध्ययन करना, पढ़ना। अब देखिए, फर्स्ट क्या है? रिंकी इज डांसिंग, पहला तो कर दिया उन्होंने, बोला है कि पहला कर दिया आपके लिए ना, रिंकी इज डांस था, डी ए एन सी ई डांस, ठीक है। रिंकी क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो इसको, इसके साथ हमें क्या ऐड करना था? आई एन जी ऐड करना था, आई एन जी ऐड करना था डांस के साथ, डी ए एन सी ई डांस, और इसके साथ हमने आई एन जी ऐड करना था। तो डांस में क्या होता है? डी ए एन सी, फिर उसके बाद आई एन जी लग जाता है, ई हट जाता है और आई एन जी लग जाता है, तो डी ए एन सी आई एन जी, डांस, सिंग, ठीक है। तो फर्स्ट इस तरीके से बन गया। अब देखिए सेकंड, द बर्ड्स आर, अब हेल्पिंग वर्ब भी आपको लगानी है इसके अंदर, है ना। अब देखिए क्या है, आर बर्ड्स, यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पे लग जाएगा आर, ठीक है। द बर्ड्स आर, बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, है ना। तो फ्लाई, यहाँ पे फ्लाई लिखेंगे, एफ एल वाई, एफ एल वाई आई एन जी, फ्लाइंग, ठीक है। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स क्योंकि प्लूरल है, और फ्लाइंग, फ्लाइंग में, फ्लाई में आई एन जी ऐड कर देते हो, फ्लाइंग हो जाएगा। ऐसे ही आई, आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई एम, ठीक है। अब क्या आएगा इसमें? देखिए, रोर नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, फ्लाई नहीं आएगा, गो नहीं आएगा, गो आ सकता है, आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग। तो गो का जी ओ और फिर आई एन जी और ऐड कर देंगे, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। द लोयन, शेर है, शेर क्या करता है? द लोयन इज़ आएगा, क्योंकि एक ही लोयन की बात हो रही है, इसलिए इज़ आ जाएगा। रोर, आर ओ ए आर, रोर यानी दहाड़, तो हमें तो आई एन जी ऐड करना है, तो आर ओ ए आर आई एन जी, रोरिंग, द लोयन इज़ रोरिंग। आई एम, आई के साथ हमेशा एम आता है, तो एम आएगा यहाँ पे, फिर फिल इन द ब्लैंक, हंगरी, ठीक है। आई एम फील,
फील आ जाएगा यहाँ पे, मैं भूखा महसूस कर रहा हूँ, हंगरी का मतलब होता है भूखा, तो मैं भूखा महसूस कर रहा हूँ, तो आई के साथ तो एम आई जाएगा, यहाँ पे फील आएगा, तो फील ये एफ डब्ल्यू एल फील, तो यहाँ पे फील के साथ हम आई एन जी और ऐड कर देंगे, फीलिंग हंगरी, आई एम फीलिंग हंगरी। ऐसे ही पेरेंट्स यानी कि दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, क्योंकि प्लूरल के साथ आर आता है, तो पेरेंट्स आर फिल इन द ब्लैंक टू द पार्टी। अब गो, यहाँ पे आ जाएगा गो, जी ओ गो, ठीक है, गोइंग टू द पार्टी, जी ओ आई एन जी, गोइंग टू द पार्टी। ही के साथ आएगा इज, क्योंकि ही सिंगुलर है, ही इज फिल इन द ब्लैंक हार्ड, तो यहाँ पे आएगा वर्क, वर्क का वर्किंग, डब्ल्यू ओ आर के आई एन जी, वर्किंग हार्ड, ही इज़ वर्किंग हार्ड। अब हमने यहाँ पे देखिए गो आ गया, पेरेंट्स आर गोइंग टू द पार्टी, तो आई एम गोइंग लिखा था ना हमने, इसकी जगह हम लिखेंगे आई एम, ये स्टडी बच गया हमारा, तो हम लिखेंगे एस टी यू डी वाई आई एन जी, स्टडिंग, ठीक है, आई एम स्टडिंग। तो ये आपका आज का होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है, थैंक यू।